नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मुल्कराव। T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इस बार लगभग हर बड़ी टीम खिताब जीतने का सपना पाले बैठी। इन्हीं टीमों में एक टीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें T20 वर्ल्ड कप का दावेदार कहा भी जा सकता है। बाबर आजम जैसा बल्लेबाज, शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर जिस टीम में हो उसको दावेदार न कहना अपने आप में ही बड़ी बात है। लेकिन क्रिकेट जगत के एक दिग्गज की सोच इन सबसे अलग है। उन्होंने तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी है कि पाकिस्तान अपने लिए दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस साल तो नहीं ही उठा पाएगा। अब कौन है ये दिग्गज और क्या कहा है इन्होंने पाकिस्तान को लेकर, आइए बताते हैं आपको अपनी इस वीडियो में। दरअसल ये दिग्गज कोई और नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक महान कप्तान का दर्जा प्राप्त रिकी पोंटिंग का मानना है कि पाकिस्तान के पास बल्लेबाज के रूप में सिर्फ कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान की जीत या हार बहुत हद तक बाबर के बल्ले पर निर्भर करती है। बाबर का बल्ला बोला तो जीत तय, नहीं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें होंगी। उन्होंने बाबर के बाद मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को भी पाकिस्तान की हार जीत के लिए जिम्मेदार बताया। T20 वर्ल्ड कप को लेकर हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने बयान देते हुए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2022 का मुख्य दावेदार बताया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग की सोच इस मामले में अलग है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक ICC रिव्यू के एपिसोड में कहा, अगर बाबर टूर्नामेंट में रन नहीं बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकते। उनके सलामी बल्लेबाज बहुत महत्वपूर्ण और उनके नए गेंदबाज भी काफी अहम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्पिन गेंदबाज की भूमिका विकेट के साथ थोड़ी अधिक कठिन हो सकती जो शायद उन्हें मदद नहीं करेगी। अब रिकी पोंटिंग ने किस सोच के साथ ये भविष्यवाणी की है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को हल्के में लेने की भूल शायद ही कोई टीम करेगी, क्योंकि हाल के दिनों में जैसा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने किया वो शानदार। हालांकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपनी टीम को खिताबी जीत का दावेदार बताया, लेकिन सेमीफाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल आपको क्या लगता है, पोंटिंग की इस भविष्यवाणी में कितना दम? क्या पाकिस्तान इस साल भी लीग मैचों से बाहर हो जाएगी या कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।